हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फेसबुक के लिए बात करने वाले हैं, यानी कि फेसबुक के डिलीटेड मैसेज के बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमारा फ्रेंड पर्सनल होता है और हम उसको फेसबुक पर चैट करते हैं, लेकिन जब हम उसको चैट करते हैं तो उसकी चैटिंग को हम कुछ टाइम बाद डिलीट भी कर देते हैं, लेकिन हमें कुछ टाइम बाद पता चलता है कि काश वो चैटिंग मेरे पास होती, यानी कि हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड पर्सनल मैसेजेस हमारे उस चैट के अंदर होते हैं, बट हम उसको डिलीट कर देते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम उन डिलीटेड मैसेज को किस तरीके से रिकवर करेंगे और उन डिलीटेड मैसेज को किस तरीके से हम देख पाएंगे। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप देख रहे हैं यूनिक टेक्निकल पॉइंट चैनल। मैं आ जाता हूं अपने मोबाइल की मेन स्क्रीन पर, और मोबाइल की मेन स्क्रीन पर आकर मैं चला जाता हूं अपने फेसबुक अकाउंट पर, और फेसबुक अकाउंट मैं यहां पर अपना ओपन कर लेता हूं। तो गाइस, जैसे कि ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, मैंने फेसबुक अकाउंट अपना ओपन कर लिया है। आपको सिंपली से राइट अपर कॉर्नर पर 3 लाइन देखने को मिल रही होगी, सिंपली से आपको 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यानी कि नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको सेकंड लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सेटिंग एंड प्राइवेसी। सेटिंग एंड प्राइवेसी पर हम इसको क्लिक करते हैं। इसके अंदर कुछ ऑप्शन होंगे जो ओपन होकर आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी से नीचे सेटिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। सेटिंग पर हम यहाँ पर इसको क्लिक कर देते हैं, और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन पर हम इसको सिंपल से क्लिक करते हैं। डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, देख लीजिए हमारे सामने कुछ अलग पेज ओपन होकर आएगा, जिससे कि यहाँ पर ओपन होकर आ गया है, जिससे कि पेज हमारा ओपन होकर आया है। हम यहाँ पर अपने मैसेजेस को रिकवर करना चाहते हैं, यानी कि जो हमारे डिलीटेड मैसेज थे वो हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली से हमको नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको मैसेज पर एक बार क्लिक कर देना है, क्योंकि हम मैसेजेस को देखना चाहते हैं। और मैसेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑल ऑफ माई डाटा करके, यहाँ पर आप अगर ऑल ऑफ माई डाटा करेंगे तो 5 से 6 दिन लग जाएंगे, यानी कि अगर आपको सारा डाटा लेना है तो शायद आपके 5 से 6 दिन लग जाएंगे। तो हम सिंपली से 1 मंथ का पहले आपको निकाल देते हैं, यानी कि 1 महीने का निकाल कर दिखा देते हैं। फेसबुक मैसेज रिकवर आपको 1 महीने का करके दिखा देते हैं। तो उसके लिए हमको डेट रेंज पर क्लिक करना है, एंड डेट रेंज पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पर आप 1 महीने का निकाल सकते हैं। सो गाइज, हम इस पर क्लिक करके इसको सेट भी कर सकते हैं, कितने महीने का यहाँ पर आप निकालना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 जून सेलेक्ट कर लिया है नीचे की तरफ, एंड यहाँ पर हम ऊपर की तरफ 1 मई इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको सेट कर देते हैं। एंड यहाँ पर हम फॉर्मेट पर क्लिक करके इसको HTML ही रहने देंगे, इसको बैक करते हैं। एंड यहाँ पर हम इसको मीडियम या हाई क्वालिटी कैसे भी यहाँ पर इसको करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं मीडियम कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आपको क्रिएट फाइल पर क्लिक कर देना है, एंड क्रिएट फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पेंडिंग, यानी कि हमारी जो मैसेज रिकवर की फोल्डर है वो पेंडिंग में है, यहाँ पर वो बनने वाला है। सो गाइस, देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये पेंडिंग में है और ये थोड़ी देर में क्लियर होने वाला है, वो फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है। और उसको देखने के लिए हम सिंपली से फिर उसी सेटिंग में जाएंगे 3 लाइन पर क्लिक करके, एंड यहाँ पर हम इसको सिंपली से सेटिंग में, यानी कि सेटिंग एंड प्राइवेसी यहाँ पर आपको सेकंड लास्ट में देखने को मिलेगा। क्लिक करने के बाद सेटिंग पर हम इसको क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर डाउनलोड एंड इन्फॉर्मेशन पर हम फिर से क्लिक कर देंगे, डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन। एंड डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिले थे, रिक्वेस्ट कॉपी एंड अवेलेबल कॉपीज। कॉपीज पर हम इसको क्लिक कर देंगे। अवेलेबल कॉपीज पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए हमारी फाइल यानी कि बनकर तैयार हो गई है, एंड यहाँ पर हम इसको सिंपल से डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। एंड डाउनलोड यहाँ पर देख लीजिए ये फाइल हो रही है, एंड यहाँ पर हम ये zip फाइल हमारी ये डाउनलोड होगी, उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करनी पड़ेगी। देख लीजिए ये एप्लीकेशन आपको सिंपल से डाउनलोड करनी होगी अपने मोबाइल के अंदर। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स, एक एप्लीकेशन और यहाँ पर आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, HTML Viewer भी, यानी कि 2 एप्लीकेशन फ्रेंड्स सिंपल से आपको डाउनलोड कर लेनी है। और यहाँ पर ये दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, फाइल्स डाउनलोड होने के लिए हमसे मेल और पासवर्ड मांग रहा है, हम इसको सिंपल से मेल और पासवर्ड अपने फेसबुक का यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे कि मैंने मेल और पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया, हम सिंपली से इसको लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद पर आपको देखने को मिल रहा होगा फाइल, यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो गई। सिंपली डाउनलोड्स पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर डाउनलोड्स पर क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल आ गई है। इसको सिंपली से ओपन करने के लिए हम ZArchiver पर क्लिक करेंगे, और ZArchiver पर क्लिक करने के बाद मैसेजेस पर क्लिक करेंगे। मैसेजेस पर क्लिक करने के बाद हम इनबॉक्स पर एक बार क्लिक करेंगे। इनबॉक्स पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, देख लीजिए ये 1 महीने के मैसेज यहाँ पर आ गए हैं। सिंपली जैसे मैं इसको ओपन कर देता हूँ, एंड यहाँ पर मैसेज HTML पर एक बार क्लिक कर देता हूँ, एंड ओपन इसको करता हूँ। ओपन करने के बाद HTML व्यूअर यहाँ पर आपको 3rd नंबर पर देखने को मिलेगा। लास्ट नंबर पर HTML व्यूअर जो है वो एप्लीकेशन का आइकॉन है, एंड यहाँ पर आपको सेकंड लास्ट में यानी कि 3rd नंबर पर HTML व्यूअर पर क्लिक कर देना है। HTML व्यूअर पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। ये सारे मैसेज यहाँ पर आ गए हैं, यानी कि ये नंबर मैंने इसको दिया था, तो यहाँ पर ये नंबर उम्बर सब यानी कि आ गए हैं, क्योंकि एक ही मैसेज हुआ था इसलिए ये एक ही मैसेज यहाँ पर दिखा रहा है। एंड किसी और फ्रेंड के हम यहाँ पर देख सकते हैं, किसी और फ्रेंड
फ्रेंड के लिए हम बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद फ्रेंड्स देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं सेकंड लास्ट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैसेज पर क्लिक करता हूँ और ओपन पर इसको क्लिक कर देता हूँ। एंड HTML व्यूअर पर आपको अगेन से क्लिक करना है, HTML व्यूअर इस वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। HTML व्यूअर पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर ये आ गया है कि यहाँ पर आप मैसेज इसको देख सकते हैं। एक महीने में सिर्फ यानी कि जितनी चैट हुई है फ्रेंड्स यहाँ पर इतनी ही यहाँ पर ये दिखाने वाला है। एक महीने में जो भी हमारी मैसेज से चैट हुई है रेटिंग हुई तो यहाँ पर ये सेलिब्रेटिंग ही यहाँ पर दिखाएगा। एंड हम इसको बैक कर देते हैं, और बैक करने के बाद जैसे कि मैं किसी और फ्रेंड का यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, मैसेज HTML ओपन। एंड यहाँ पर व्यूअर पर हम HTML व्यूअर पर अगेन से क्लिक कर देंगे, जैसे हैप्पी बर्थडे, बस ज़्यादा चैट नहीं होती है। सो गाइज इसलिए ये कम चैट ही दिखा रहा है। फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में चीट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।